एमपी के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। यादव ने कहा, लोकतंत्र का ये मंदिर भी तोमर के कारण गौरवान्वित होगा। नरेंद्र सिंह तोमर के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में नरेंद्र सिंह तोमर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित स्वयंसेवक तोमर, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, तब भी आपका पुरुषार्थ, आपका पराक्रम, आपका परिश्रम कदम कदम पर झलका। केंद्र में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते आपने किसान और गरीबों के लिए जो काम किए, सदैव सबके हृदय में उनकी अलग छाप रहेगी। डॉक्टर यादव ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में नरेंद्र मोदी का जो स्वप्न है, उससे लोकतंत्र का मंदिर और गौरवान्वित होगा। मैं तो इस नाते से भी आपको जानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अनुशासित समर्पित स्वयंसेवक के नाते से आपने अपनी पूरी ये यात्रा, यहां तक सफर आपने पूरा किया है। और खास करके वर्तमान के इस दौर में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जब आप अध्यक्ष बने तो उसमें भी आपका पुरुषार्थ, पराक्रम, परिश्रम और विनम्रता ये कदम कदम पे झलकती नजर आई है। केंद्र में कृषि और ग्रामीण विकास के मंत्री के नाते से किसानों और गरीबों के लिए जो आपने काम किया है वो सदैव सबके हृदय में एक अपनी अलग छाप बना कर रखता है। अत्यंत विनम्र, सहज, सरल और शायद इसीलिए पक्ष और विपक्ष में आप समान रूप से लोकप्रिय रहे हैं, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मुझे पक्का भरोसा है आपके अध्यक्ष बनने से इस सदन की गरिमा और गौरवान्वित होगी, क्योंकि ये वही मध्यप्रदेश का सदन है जहां पंडित कुंजीलाल दुबे से लगा करके वर्तमान के सम्मानित गिरीश गौतम जी, जो उसी समय पहले पिछली सदन के हमारे निर्वाचित अध्यक्ष थे, और हम सब इस बात के लिए आनंदित भी हैं कि आपके नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के काल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है हमारे लोकतंत्र का ये मंदिर और गौरवान्वित होगा। मुझे इस बात का और आनंद है कि आपके रहते रहते मैं भी अपने इस नए दायित्व के साथ आपके ज्ञान का, अनुभव का, हम अपने सदन के सभी सम्मान्य सदस्यों के साथ इसका लाभ मिलेगा। हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय गोपाल भार्गव जी के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल व्यवहार के कारण से उनने शपथ का और बाकी निर्वाचन का पूरा हमारा कार्यक्रम संपन्न किया, जिनके नेतृत्व में पहले सत्र में शपथ ग्रहण, प्रतिज्ञान आदि महत्वपूर्ण कार्य का ठीक से संचालन हो सका है। मेरी अपनी ओर से पुनश्च एक बार आपके प्रति शुभकामना है और निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित होंगे आपके सफल संचालन करने से। पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।